इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पॉली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैसे की आशंका लगाई जा रही थी वैसा ही हो रहा है। मेरठ में एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। शाम होते होते भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के सहयोगी के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह एक निजी चिकित्सक से इलाज करा रहे थे। आज मामला सामने आने के बाद राकेश शर्मा को कवर कर लिया गया, साथ ही पूरे परिवार को भी आइसोलेट किया गया है। सारे इलाके को सील कर दिया गया है, बल्लियां लगा दी गई हैं और एहतियात के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा के महानगर अध्यक्ष के बेहद करीबी के पिता के संक्रमण की चपेट में आने से पार्टी द्वारा चलाई जा रही तमाम रसोई भी अब संदेह व जांच के दायरे में आ गई है। इसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। इस भीड़ में भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। समझा जा सकता है कि यदि यह संक्रमण फैला तो बेहद भयावह स्थिति होगी। आज पल्लवपुरम में भी एक व्यक्ति को टीम ने कवर किया। बिजनौर का रहने वाला यह व्यक्ति यहाँ वकालत करता है। इस बीच CMO डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि अभी तक जिले में 82 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। 19 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। रजबन की गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई थी, उनके परिजनों के सैंपल भेजे गए हैं, कल तक ही रिपोर्ट आएगी। देखते हैं क्या बता रहे हैं CMO डॉक्टर राजकुमार जी। अस्पतालों की जो गाइडलाइन है उसमें सरकार ने ये कहा है कि आप एक तो अपने नर्सिंग होम में OPD बंद रखेंगे और इमरजेंसी आपकी चलती रहेगी। इमरजेंसी में जो पेशेंट आने वाले हैं उनको भी आप या OPD में दिखाने जो आया है पेशेंट उसको आप एक ट्रायज एरिया में रखेंगे, जहाँ पे आप पेशेंट का पहले स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद आप जो है अंदर लेंगे उसको और उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स को N95 मास्क और ज़रूरत के हिसाब से PPE किट वगैरह का इंतज़ाम अपने यहाँ रखना पड़ेगा। तीसरी बात उसमें ये लिखी है इन्फेक्शन प्रिवेंशन का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। और चौथी बात ये है कि बायोवेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ बायोवेस्ट मटेरियल है जो उनको आपको ढंग से उनको निस्तारित करना है। उनका निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों के अनुसार ही होगा। ये 4 गाइडलाइन हैं और इन चारों गाइडलाइन को मैंने IMA को बता दिया है, उनकी मीटिंग ले ली है। ये कल हम शाम को मीटिंग लेते हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।